हेलो, नमस्कार। और हम जाएंगे आज शॉपिंग करने। 10 यूरो में कितना सामान मिलता है? लेट्स चेक। तो मैं जिधर रहती हूँ, ये पेरिस से 15-20 मिनट की दूरी पे है, और डायरेक्ट ट्रेन जाती है। और ये एरिया हमेशा ऐसा रहता है, ऑलवेज काम। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, संडे को शॉप्स खुली नहीं होती हैं। एक चर्च है, एक हॉस्पिटल है, एक मॉल है, फार्मेसी है, और एक दो दुकानें और हैं सामान खरीदने के लिए। और मोस्टली संडे को सब बंद होता है, तो जो भी शॉपिंग करनी है वो हम सैटरडे यानी आज करेंगे। तो हमें जाना है वहाँ, और मैं जिस दुकान में जा रही हूँ ना, जिन जिन्हें भी मांस मटन मच्छी से तकलीफ है, वो ये वाला सेक्शन मत देखो, क्योंकि ये दुकान का नाम है बुशरी एंड ट्रेडिशन। मतलब यहाँ पे बुचर मांस मटन भी मिलता है जो मिलता है यहाँ, और सब्जियाँ मिलती जो मिलती है वहाँ। और ये है टमाटर जो है 2 यूरो के। और ये है आपका धनिया, नहीं धनिया नहीं है, पुदीना, धनिया, ये धनिया नहीं है, स्ट्रॉबेरीज, गाजर, जैसे हमारे इंडिया में गांव में मिलती है वैसे, एयर कंडीशन है, सलाद्स, नींबू, पालक, मशरूम, ब्रोकली, और ये सब की प्राइसेस यहीं लिखी है। देखिए आप, ये लिखा है ब्रोकली एस्पानिया, मतलब स्पेन, 33 यूरोस का है। मोस्टली यहाँ का सामान ये फ्रेंच का है। और ये हमारी फली है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। अब पत्त, ये आपके चेरी टमाटोस एंड लुटाऊ, और थोड़े से बाजू में फ्रूट्स होते हैं, ये है नेक्टारिन, अंगूर, काले अंगूर, फिर है कीवी। इसका टेस्ट जामफल और एप्पल का मिक्स होता है, इसको बोलते हैं पुआर, नहीं है, यस पुआर है, एप्रिको है, फिर प्रून, फ्रेंच में प्रून, इंग्लिश में मुझे कोई आइडिया नहीं क्या बोलते हैं इसको। यह है नाशपाती, यह है चेरीज। जैसा मैंने आपको बोला, बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स हैं। देखो कीवी है 3.99, पॉम्पलिनोस एक टाइप का ऑरेंज, एप्रिकॉट। और हम यहाँ धूप में आएंगे, और धूप में हमको मिलेगा लहसुन, बटाका, तो हम लहसुन लेंगे 3-4, जितने लेना है। लहसुन है 4 यूरो के, नहीं तो ये लूंगी क्योंकि ये है 1.49। एप्पम दतेर जो है 1 यूरो का, और प्याज है जो है 1.39 यूरो की। तरबूज भी है, वाह। और ऐसे भी मिलते हैं, कट करके रखते हैं पीसेस, और आपको अगर पूरा किलो का पैकेट चाहिए, 5 किलो ऑनियंस और ऐसा, तो भी मिलता है। वो देखो पक 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 पक। यहाँ पे आपको एक फार्मेसी, एक मार्केट, सुपर मार्केट, यहाँ पे आई डोंट नो क्या है, वहाँ पे म्यूनिसिपल जो मेन ऑफिस होता है, फ्रांस में कहते हैं मेरी, वो है जो आपको वहाँ वहाँ दिख रहा है। ये सामने है, ये एक सुपर मार्शे है जहाँ पे सब्जियाँ नहीं मिलती हैं इतनी फ्रेश, बट बाकी चीज़ें मिलती हैं अच्छी क्वालिटी की, और दैट्स इट। रेस्टोरेंट है एक छोटा सा, बार एंड रेस्टोरेंट। तो क्या सामान आया 10 यूरो में फ्रांस में? ये रहा तो मिल्क बॉटल, फ्रूट्स, टमाटोज, दो कैप्सिकम, लहसुन, आइल, लहसुन, ओबरजीन जो फ्रांस में बोलते हैं ओबरजीन,
एग प्लांट, ब्रिंजॉल, भटा और ब्रोकली, ये सारी चीज़ आई हैं। एंड 1 वीक द एक्चुअल बिल इज 9.90 यूरोस, सो 10 सेंट कम हो गया 10 यूरो में। तो दी ओनली ड्रॉबैक जिस शॉप में मैं जाती हूँ उसकी ये है कि वहाँ पे जो बिल है, बिल पे नाम नहीं लिखा होता है कि आपने ख़रीदा क्या है। इसमें सिर्फ लिखा है फ्रूट, लेग्यूम, मतलब वेजिटेबल्स, एंड दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे भी इसी तरह के वीडियोस आएंगे, छोटे छोटे, जो आपको बताएंगे कि आप अकेले बिना किसी हेल्प के फ्रांस में कैसे अपना जीवन निकाल सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं सैटरडे या संडे। मीटिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ देखिए, चेक करिए। और अगर आपको भी कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है इस वीडियो के थ्रू बाकी सब जनता से, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ही। बाय, चाओ, तरा।